कैसे हो मेरे स्टेनोग्राफर दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? कैसी आपकी तैयारी चल रही है और क्या कुछ चल रहा है आपकी तैयारी में? कन्फ्यूज है उनके उनके कन्फ्यूजन है उनके बारे में तो हम बात करने ही वाले हैं। और हमारा आज का जो मेन मुद्दा है वो रहने वाला है अपना कि डिक्टेशन किस टाइप की आएगी। इससे बड़ा क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता फिलहाल। और फिलहाल क्या कर सकते हैं भाई, 4-5 दिन बचे हैं। वैसे तो इतना कुछ करने को देखो है नहीं। अब जिसको जो कुछ करना था उसने कर लिया है, अब तो बस समेटना बाकी है। सिस्टम करना था वो कर दिया, समेट लो अब तो जो समेटा जाता है, जो कर लिया उसको रिवाइज टाइप में करके समेटना है। सो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं डिक्टेशन किस टाइप की आ सकती है। अपने पास 2 या 3 तरीके के मैटर हैं, ठीक है। जैसे एक आता है अपना कैलाश चंद्रा वाला मैटर, भाई सिंपल पार्लियामेंट्री मैटर आ जाए, मिस्टर डिप्टी चेयरमैन ये वो ये सब करके बिल्कुल सिंपल सा मैटर आ जाए एक तो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है आ सकता है। दूसरा मैटर है अपना प्रोग्रेसिव में होगा पार्लियामेंट्री मैटर, बट क्या होगा उसमें थोड़े से हार्ड वर्ड घुसा देंगे, होगा पार्लियामेंट वाला ही, वही जो कैलाश चंद्रा में वही चीज़ होगी थोड़े से हार्ड वर्ड्स के साथ। उसके बाद आता है जनरल मैटर, जिसका दूसरा नाम है फेल कराओ मैटर, जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चे गुड़ जाते हैं या आधे से ज़्यादा बच्चे जिसमें हाथ खड़े कर देते हैं। सो सबसे ज़्यादा खतरा है बच्चों को जनरल मैटर ना आए। हर कोई यही भगवान से दुआएं कर रहा है कि जनरल मैटर ना आए। सो जितना देखो एग्जैक्ट तो अब किसको क्या ही पता है भाई, बट एक जो कहने की बात है ना, जो पूरे पूरा सिनेरियो देखा जाए, रीटेस्ट भी हुआ है, ये सारी चीज़ देखी जाए, भाई चांसेस तो देखो कम ही लग रहे हैं, बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं कि हार्ड मैटर आएगा। इजी मैटर आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं फिलहाल। बट वही बात है यार, गंदे चीज़ों के लिए तैयार रहना कहीं ना कहीं बेटर रहता है। सो अपने माइंड में ये बिठा के मत जाओ यहाँ से कि केसी का मैटर आएगा या कुछ, थोड़ा सोच के जाओ कि अबाव एवरेज मैटर तो आएगा। इस माइंड सेट के साथ वहाँ पे पेन लेके बैठोगे ना कि अबाव एवरेज मैटर आएगा और वो हम लिखने वाले हैं, और फिर आपके कोई केसी भी बोलेगा ना तो मज़े आएंगे यार देखो लिख के मस्त। और अगर सोच के गए केसी का कि केसी आएगी और किसी ने अगर केसी में हल्के से भी वर्ड घुसा दिए ना, तो फिर वो ये माइंड का खेल है देखो सारा, क्योंकि स्टेनोग्राफर वो खतरनाक चीज़ है जो सेकंडों के हिसाब से डिसीजन लेके सोचता है, सेकंडों में वर्ड बनाता है, अगली सेकंड तो उसे नेक्स्ट वर्ड के बारे में सोचना है। सो इसमें कॉन्फिडेंस का बहुत ही बड़ा खेल है। सो मेरी सजेशन, आपके भाई की सजेशन आपके लिए जस्ट इतनी सी है, समझदार आप हो यार, यहाँ तक आए हो सबको पता है, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है बोलने का। एक जो मेरी सजेशन है वो डायरेक्ट यही है, जनरल मैटर देखो लास्ट में हार्ड मैटर की प्रैक्टिस भी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, तो मेरी सजेशन यही रहेगी मोटा मोटी कि जो प्रोग्रेसिव मैगजीन के जो मैटर्स हैं उनको थोड़ी हाई स्पीड के साथ आप डेली प्रैक्टिस करो, और फुल चीते बन के बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अपने अपने हथियार लेके पहुंच जाओ, और बहुत ही अच्छा होगा एग्जाम, क्योंकि हार्ड मैटर आई थिंक नहीं आएगा। और इस चीज़ को आप पॉजिटिव लेके चलो, अब तो देखो निकल ही गया टाइम, दोबारा हो रहा है जो भी सीन हो रहा है, बच्चों के सेंटर भी बहुत अजीब अजीब जगहों पे आ रहे हैं, बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट सबके ही सेंटर चेंज हुए हैं, कईयों के हुए भी नहीं है। सो इस चीज़ से हमें इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। सो मेन अपना डिस्कशन था कि मैटर किस टाइप का आ सकता है, फिलहाल प्रोग्रेसिव पे फोकस करो, और उनके थोड़े हार्ड मैटर पे, या हार्ड नहीं तो स्लाइटली थोड़ी सी कोई ज़्यादा स्पीड का मैटर मिल जाए। और अगर आपको स्पीड नहीं मिलती है ना, मान लो 80 की स्पीड ही पड़ी है, आपका मन करता है 85 लिखने का, तो आप वेट मत करो कि कोई डाल लेगा मैटर, एक काम करो उसको डाउनलोड वगैरह करो कहीं से, VLC प्लेयर, या फिर जैसे आप YouTube पे Into 2 करोगे तो वो 2.5 करोगे तो वो डायरेक्ट 100 हो जाती है,
80 की जो है वो 100 के अराउंड चली जाती है, ठीक है। सो उससे आपके बात नहीं बन रही, तो आप उसको ना डाउनलोड कर लो, और उसको ना VLC प्लेयर वगैरह ऐसे प्लेयर हैं, जैसे VLC हो गया एक, उसमें आप अपना ना ऐसे सेट कर सकते हो कि एग्जैक्ट कितनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, वो आप कैलकुलेट करके, या आपको ज़रूरत हो तो मैं एक डिटेल में एक हल्की सी वीडियो कल डाल दूंगा थोड़ी सी करके, कि आपको ये 80 की स्पीड वाली डिक्टेशंस को 85, 90 इनकी कैसे, या 100 वाली को 110 की या 5 की कैसे बनाएं, इसके बारे में मैं एक वीडियो डाल दूंगा। सो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच।